आपको बताएं, पिशावर की गुलुकारा लैला खान को बैनुल अक्वामी कॉन्सर्ट के लिए मुंतखब कर लिया गया। लैला खान इन दिनों तंजानिया में परफॉर्म कर रही हैं, जहां उनके साथ तीन बड़े आजमों के गुलुकार शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा गुलुकारा लैला को किस कॉन्सर्ट के लिए मुंतखब किया गया? जी बिल्कुल, अभी गुलुकारा लैला खान का ताल्लुक पेशावर से है और इनको काफी कंपटीशन के बाद इनको सेलेक्ट किया गया अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। हामी बरली लैला, जो कि जिनका ताल्लुक पेशावर से है, तीनों बर आजम यूरोप, बर आजम एशिया और बर आजम अफ्रीका से गुलुकारा जिस कंसर्ट के लिए इनको सेलेक्ट किया गया, वो कंसर्ट जो है तंजानिया में इनका इनका किया जा रहा है, जबकि पांच कंसर्ट ऑलरेडी इन्होंने किए और 30 मजीद कंसर्ट में ये हिस्सा लेंगी। वाहिद की जानब से गुलुकारा है जिनका काफी तकरीबन 200 जायद गुलुकारों में इनकी आवाज वहां पे सेलेक्ट हो गई है और ये पेशावर से इनका ताल्लुक है। यकीनन पेशावर और पाकिस्तान के लिए फखर की बात है। तीनों बर आजमों से सेलेक्ट किए गए इन गुलुकारों के आजकल परफॉर्मेंस है वो तंजानिया में जारी है और इनमें दो गाने इन्होंने अभी तक रिलीज किए हैं जिन्होंने जिसमें अरबी जुबान में भी इन्होंने गाने गाए और आज मजीद गाने इनके अभी रिलीज होने हैं और इनके जो कंसर्ट का सिलसिला है वो तंजानिया में अभी भी इस वक्त जारी है। रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पे कंसर्ट की जा रही है। सैबर पखतूनख्वा से इस लैला खान का ताल्लुक है और खासतौर पर पेशावर से इसका ताल्लुक है और अभी इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। यकीनन पाकिस्तान के लिए फखर की बात है कि पूरे बर आजम एशिया समेत पाकिस्तान की नुमाइंदगी वाहिद गुलुकारा कर रही है और उसका ताल्लुक भी पेशावर से है। जी शुक्रिया राहम यूसुफ़ज़ई।